नमस्कार, स्वागत है आपका प्रकाश टीवी में। मैं हूं आपके साथ स्माइल चौधरी और वक्त हो चला है आज की कुछ अहम खबरों का। जल जीवन मिशन की बड़ी कामयाबी, 1,00,000 गांवों के हर घर में पहुंचा नल से जल। तीसरी लहर की आशंका के बीच उत्तराखंड में कावड़ यात्रा पर लगी रोक, सीएम धामी बोले लोगों की सुरक्षा जरूरी। सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे कमलनाथ सिंह। चंडीगढ़ के कचरा विस्तारण प्लांट की तकनीक के लिए सदन में विरोध बैठक में हंगामा, कांग्रेसियों ने फाड़े पानी के बिल। वैक्सीन न लगवाने वालों को नहीं बनेगा लाइसेंस, पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए वैक्सीन होगी अनिवार्य। पंजाब में वारदात, जलंधर में नहर में मिली पुलिस को एक युवती की लाश, माथे पर लगी थी गोली, जांच में जुटी पुलिस। एनपीए में कटौती का विरोध, पंजाब में डॉक्टरों की हड़ताल जारी, पटियाला में 3 दिन और ओपीडी रहेगा बंद। हरियाणा में डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर पथराव करने के मामले में 5 किसान गिरफ्तार, विरोध में धरने पर बैठे साथी। हरियाणा को मिले नए गवर्नर, 18वें राज्यपाल के रूप में राजभवन में ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश का कहर, सहज में बादल फटने से आई बाढ़, घरों में घुसा मलबा। हादसा, नेशनल हाईवे पर कार में टक्कर, 1 की मौत, 5 घायल, पीजीआई में हुए रेफर। दिल्ली में वैक्सीन की किल्लत, टीकाकरण में 50% कमी, दिल्ली में बंद हुए 500 ज्यादा केंद्र। दिल्ली आईआईटी में ऑनलाइन ही होंगे आने वाले स्तर, शुरुआत 9 अगस्त। आज के लिए बस इतना ही, ऐसी कुछ अहम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।